हेलो फूडीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल फूडो हॉलिक तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी ये काफ़ी यमी होगी एंड ऑफ कोर्स काफ़ी इजी होगी ये हम जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में छोले खाते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी इसकी टेस्ट होगा आई होप यू लाइक इट इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव इंट ऑलरेडी एंड प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल डाला हुआ है आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं वहाँ पर भी कुछ शॉर्ट जो रेसिपीज़ होती हैं वो मैं शेयर करूँगी सो या गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोले भिगो के रखे हैं ये मैंने 12 आवर्स तक भिगो के रखे थे और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से भीग गए हैं लाइक अच्छी तरीके से वाटर इसमें एब्जॉर्व हो गया है और छोले बहुत अच्छे लग रहे हैं तो इसके बाद ये छोले भिगोने भीग, के बाद हमें क्या करना है इसे हमें वॉश कर लेना है वॉश करने के बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में डालना है और सीटी लगानी आप चाहें तो डायरेक्टली प्रेशर कुकर में ही ग्रेवी बना के छोले डाल के सीटी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पे पहले छोलों को पका लेती हूँ प्रेशर कुकर में देन मैं उसको उसकी ग्रेवी जो है वो अलग से बनाती हूँ तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में छोले डाल दिए हैं और इसमें मैं मिनिमम आठ सीटियाँ लगाऊंगी और आठ सीटियों के बाद हमारा छोला बिल्कुल अच्छे से रेडी होगा सोया इसमें जो सीटी अपने आप लगती है आठ सीटियाँ और हमारा छोला बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो छोलों में सीटी लग गई है अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे छोले अच्छे से कुक हुए कि नहीं हुए हैं मैं यहाँ पे एक फोक की मदद से सी ये बहुत अच्छे से मतलब मेल्ट हो गए हैं लाइक अच्छे से कुक हो गए हैं अब ग्रेवी के लिए हमें यहाँ पे चाहिए अनियन और यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के साइज़ के अनियन चॉप करे हुए हैं दो टमाटर और यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ भी मैंने चॉप करी हुई है यहाँ पे हम मसाले डाल रहे हैं यहाँ पे मैंने दो टीस्पून स्पून रेड चिली पाउडर डाला हुआ है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं देन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है धनिया पाउडर यहाँ पे धनिया पाउडर भी मैं दो बड़े चम्मच यूज़ कर रही हूँ आप जितना मसाला डालना चाहते हो उतना अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इतना काफ़ी होगा और उसके बाद धनिया डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी हल्दी में यहाँ पर डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून और हल्दी डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोला मसाला यहाँ पर मैंने वन बड़ा एक बड़ा चम्मच छोला मसाला डाला है देन यहाँ पर गरम मसाला मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून इसको मिक्स कर लिया इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़ा चम्मच इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ यस गाइस ये एक बहुत अच्छा तरीका है मसालों को पकाने का जब भी आप कुछ पकाएँ कुछ भी बनाएँ भले वो चिकन हो मटन हो कोई ग्रेवी कोई भी मसाले वाली सब्जी तो उसमें आप पहले ये जो सारे मसाले हैं इसी तरीके से आप इसे पानी डाल के थोड़ी देर तक रख दीजिए और जब ये कुक होंगे तो ये एकदम से कुक हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने मसाले तैयार कर दिए हैं अब हम अपने छोले बनाने की तैयारी करते हैं तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली उसमें ऑयल डाल ली हूँ यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ थ्री टेबल स्पून और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे देन हम इसमें ऐड करेंगे जीरा ज़ीरा ऐड करने के बाद हम उसे थोड़ा सा पकने देंगे देन हम ये खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं खड़े मसाले ऐड करने के बाद हम अनियंस जो हमने चॉप करे हुए अनियंस हैं वो ऐड कर रहे हैं है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इसको ब्राउन होने तक कुक करेंगे अब आप देख सकते हो कि हमारे जो अनियंस हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं अच्छे से कुक हो गए हैं सी अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाले बनाए हुए थे वो मसालों का पूरा मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इसको टू या थ्री मिनट्स तक ऐसे ही कुक होने देंगे जब तक ये पूरा अपना तेल ना छोड़ दें अब आप देख सकते हो कि मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे टमाटर और मिर्चियाँ और टमाटर मिर्ची ऐड करके इसे मिक्स करके अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम टमाटर में जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ टमाटर को सॉफ्ट और एकदम से कुक होने के लिए हमें इसमें डायरेक्ट सॉल्ट ऐड करना है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉल्ट को सॉल्ट की वजह से टमाटर एकदम से पक जाता है सो so, सोया इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसको इसकी लिड बंद करके रख देंगे देन थोड़ी देर तक इसे अच्छे से कुक होने देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए सूखा ही से मैंने कुछ बॉइल्ड छोले निकाली हैं इसको मैं फूक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूँगी इससे क्या होता है हमारी जो ग्रेवी होगी जो हमारे छोले होंगे वो काफ़ी मसालेदार लगेंगे काफ़ी मसाले भले आप कितने भी कम यूज़ करें बहुत यमी लगेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आमचूर पाउडर आप चाहें तो अनारदाना जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं बट वो हमें प्याज के साथ ग्राइंड करना होता है सो ये तैयार हो गया है इसे मिक्स कर लेंगे और अपना हम मसाले देख लेते हैं यहाँ पे अब ये बिल्कुल आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है बिल्कुल तेल जो है ऑयल जो है वो बाहर निकलने लग गया है अब इस टाइम पे हम जो भी मैंने ये तैयार किया था मैश करके छोले वो हम इसमें डाल लेंगे गाइस ट्रस्ट मी आप करना इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है अगर आप ड्राई भी खा रहे हैं तो इसे मसाले बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत यमीज सा लगता है छोला सेम वो रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप का सोया इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और इसे कुक होने के लिए हम रख देंगे थोड़ी देर तक इसे हम ऐसे ही कुक होने देंगे इसको ढक्कन लगा के मैं बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर तक ऐसे कुक होने देंगे तो दो मिनट हो गए इसे कुक होते हुए और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है और वाटर जो है बिल्कुल ड्राई हो गया इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे सी मसाला बहुत अच्छे से कुक हो गया है और सारी चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं अब हम इसमें अपने छोले जो हैं वो सारे के सारे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस टाइम पे हमें करना है इसे अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले एकदम से इसके साथ ब्लेंड कर लेना है देन हमें इसे ढक के और पकाना है कुछ मिनट्स तक गाइस फोर मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे छोले बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं See, बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं अगर आप ग्रेवी वाले चाहते हैं तो आप ग्रेवी बना सकते हैं और राइस के साथ खा सकते हैं बट मैंने यहाँ पे इसे थोड़े ड्राई साइड पे रखा हुआ है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं तो ये कुक हो गए हैं अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे धनिया कोरिएंडर लीज और धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे एक बार इसका मुझे टेस्ट बताइएगा सो so, या yeah, मेरे छोले बिल्कुल तैयार है होप यू लाइक इट गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग